बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 5 ऑफ मैथ्स फॉर क्लास 9। यूनिट बेटा 2 है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें एक्सरसाइज है आज हमारी 2.3। इसमें रेडिकल और रेडिकेंट है। आप अपनी बुक ओपन करें, पेज नंबर 43 पर। आपने पहले भी थ्योरी पढ़ी हुई है, इसमें भी देखें। इसमें रेडिकल और रेडिकेंट क्या है? इफ़ एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, अपनी बुक पर देखें, इफ़ एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 हो एंड ए स्मॉल ए इज़ अ रियल नंबर, देन एनी रियल नंबर एक्स सच दैट एक्स रेज टू पावर एन इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड द एनथ रूट ऑफ ए। और इसको सिम्बॉलिकल रिटर्न लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए रूट एन और x इज इक्वल टू ए रेज टू पावर 1 बाय n। अच्छा, इसमें क्या होगा? a जो रूट a nth रूट द सिंबल जो है रूट का है इज कॉल्ड, इसको रेडिकल साइन कहेंगे, और n जो है इज कॉल्ड द इंडेक्स या पावर जिसको हम कहते हैं ऑफ द और ऑफ द रेडिकल एंड द रियल नंबर a जो स्मॉल a है जो रूट के अंदर है अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड द रेडिकेंट और बेस कहेंगे, रेडिकेंट और बेस। अब देखें कि हम एक्सरसाइज करते हैं 2.3 का। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है एंड ईच एक्सपोनेंशियल इन रेडिकल। अब 1 देखें, पहला -64 इसका थर्ड रूट है तो ये किस फॉर्म में है? रेडिकल फॉर्म में है। इसको एक्सपोनेंशियल में क्या लिखेंगे? थर्ड रूट है तो 1/3 पावर हो जाएगी, -64 रेज टू पावर 1/3। सेकंड देखें, ये रेडिकल फॉर्म में इसको लिखना है, ये है इंडेक्स फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 रेज टू पावर 3/5। 3/5 का नहीं हो सकता, 1/5 का हो सकता है, तो 2³ होल पावर 1/5, तो 2³ का फिफ्थ रूट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई करना है, -125 का थर्ड रूट तो -125 को लिख सकते हैं -5 रेज टू पावर 3 और होल पावर 1/3, तो 1/3 3 से कैंसिल आउट, -5 इज द आंसर। 32 का फोर्थ रूट, अब 32 के बना लें, 32 को 1 2 3 4 5 टाइम्स आ जाएगी को 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेकिन हमारे पास पावर है 1/4 बन रहा है, तो हम 2 रेज टू पावर 4 को अलहदा कर लेंगे और 2 रेज टू पावर 1 अलहदा हो जाएगा, होल पावर 1/4, 2 रेज टू पावर 4 इंटू 1/4 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू पावर 1/4, तो ये आ जाएगा 2 और फिर नेक्स्ट ये जो है फोर्थ रूट ऑफ 2 आ जाएगा। तो इसमें अब बेटा आप आ जाए नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड इंडिसेस क्या है, ये भी आपने पढ़ी हुई है थ्योरी, इसको दोबारा देख लेना। अब एक्सरसाइज है 2.4 पेज नंबर 46 क्वेश्चन नंबर 1 यूज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई करना इसको। 243 रेज टू पावर -2/3 इंटू 32 रेज टू पावर -1/5 ओवर 196 रेज टू पावर- इंटू स्क्वायर रूट। अच्छा, अब इनकी प्लेसेस चेंज करेंगे तो जो है वो साइन नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। देखिए, अब नीचे को वाले को ऊपर ले जाएंगे और जो न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर देंगे, 196 स्क्वायर रूट और नीचे आ जाएगा 243 रेज टू पावर 2/3 पॉजिटिव हो जाएगा, 32 रेज टू पावर 1/5। सिंप्लीफाई किया तो 196 होता है 14 स्क्वायर और पावर कितनी है 1/2। नीचे 243 का देखें, हमने 243 के लिए 1 2 3 4 5 3 रेज टू पावर 5 और होल 2/3 और 32 हो जाएगा फिर 2 रेज टू पावर 5 1/5, कुछ कैंसिलेशन हो जाएंगे, ऊपर आ जाएगा 14 और नीचे 3 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2/3 और मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा कैंसिलेशन के बाद, न्यूमिनेटर में आ जाएगा कैंसिलेशन के बाद 7 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 रेज टू पावर 10/3। अच्छा, 10 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो मैं लिख सकता हूँ 7/3 रेज टू पावर 9/3 इंटू 3 रेज टू पावर 1/3, तो ये आ जाएगा 7/3³ कैंसिलेशन के बाद इंटू
इसको लिख देंगे 3^1/3 को 3 का थर्ड रूट, यह आ जाएगा 7/27 इंटू 3/3। फोर्थ पार्ट इसका आपने करना है होमवर्क में। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट, वेरी सिंपल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, x^a/x^b होल आ जाएगा a+b मल्टीप्लाई बाय x^b/x^c होल आ जाएगा b+c मल्टीप्लाई बाय x^c/x^a होल आ जाएगा c+a इज इक्वल टू 1। लेफ्ट साइड को सॉल्व करते हैं, आंसर 1 आना चाहिए। अब बेस देखें, हमारे पास x है सेम है, नीचे से पावर ऊपर जाएगी तो आ जाएगा साइन माइनस x^a-b इंटू a+b मल्टीप्लाई बाय x^b-c इंटू b+c मल्टीप्लाई बाय x^c-a इंटू c+a। फार्मूला होता है a-b इंटू a+b, ये होता है a²-b² फर्स्ट में आ जाएगा x^a²-b² इंटू x^b²+c² इंटू x^c²-a² बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी एक एक्स में, x^ आ जाएगा a²-b² + b²-c² + c²-a² कैंसिलेशन के बाद x^0 और किसी भी नंबर के पावर 0 हो जाए तो वो 1 है। क्वेश्चन नंबर 3 है पेज नंबर 47, सिंप्लीफाई करना है, फर्स्ट आपने होमवर्क में करना है। सेकंड है 216^2/3 मल्टीप्लाई बाय 25^1/2 डिवाइडिंग बाय 0.04^-1/2 और होल का स्क्वेयर रूट, स्क्वेयर रूट को हम 1/2 लिख देते हैं। 216 होता है 6^3 और इंटू 2/3 आ जाएगा 25 हो जाएगा 5 2 × 1/2 और 0.04 का डेसिमल ख़त्म किया तो आ जाएगा 4/100 कैंसिलेशन हुई 6^2 मल्टीप्लाई बाय 5/1/25^-1/2 और होल 1/2। अब 6² × 5 इसको प्लेसेस चेंज करेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 1/25 को 25 लिख देंगे और पावर 1/2 होल पावर 1/2 ये आ जाएगा 6² × 5/25 हो जाएगा 5 2 × 1/2 होल पावर 1/2 कैंसिलेशन, ये आ जाएगा 6² × 5/5 होल 1/2 5 के साथ कैंसिल हुआ 6² × 1/2 विच इज आंसर इज 6। तो ये बेटा आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो। कॉम्प्लेक्स नंबर है नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर की भी डेफिनेशन हैं ये आप पेज 47 पर ही और 47 और 48 अपने पढ़ा हुआ है। अब एक्सरसाइज है बेटा 2.5, आपको पता है आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, इवेल्यूट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है iota^7, हम इसको इवन नंबर में चेंज करेंगे फिर a स्क्वायर में आ जाएगा, लिख सकते हैं iota^6 × iota, iota^6 को लिख सकते हैं iota²³ फिर इंटू iota² है -1^3 × iota, अगर नेगेटिव की पावर ऑड नंबर आए तो वो माइनस होगा, -1 × iota - iota। 2 होमवर्क में करना है, 4 देखें -iota^8, इसको लिख सकते हैं -1 × iota^8 -1 × iota^8 -1 की पावर, अगर माइनस की पावर इवन नंबर हो तो वो आंसर पॉजिटिव आएगा, 1 आ गया। iota^8 को लिख दिया iota²^4, iota² है -1^4, 1 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, कंजुगेट लिखना है, हम कंजुगेट लिखते हैं तो जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है, रियल एज इट इज आ जाएगा। पहला क्या है 2+3 iota, कंजुगेट लिया 2+3 iota बार डाल देते हैं, बार कंजुगेट है तो ये आ जाएगा 2 और iota की जगह पर माइनस आ जाएगा 2 − 3 iota, सेकंड पार्ट आपका होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3, रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलहदा लिखना है, इसको जेड के इक्वल ले लेते हैं फोर्थ पार्ट, -2 − 2 iota, रियल ऑफ जेड क्या होगा -2 और इमेजिनरी क्या आयोटा के साथ जो है नंबर वो इमेजिनरी पार्ट है, आयोटा के साथ कितना -2 इज द इमेजिनरी। फिर देखें z = -3 iota, इसमें रियल नहीं है तो 0 लिख लेंगे, 0 − 3 iota, रियल ऑफ z क्या है 0, इमेजिनरी ऑफ z क्या है -3 आयोटा के साथ जो नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y, गिवन है x + iota y + 1 = 4 − 3 iota, अब इस 1 को शिफ्ट कर देंगे साइन चेंज हो जाएगा राइट साइड पर, x + iota y = 4 − 3 iota − 1, तो x + iota y आ जाएगा 3 − 3 iota। कंपेयर करते हैं रियल और इमेजिनरी को, x = 3 और y = -3। तो बेटा आपका जो एक्सरसाइज 2.5 भी कंप्लीट हो गई है, आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 और 2,
फिर एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का वन पार्ट, एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ और क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैंने करवा दिए जो आपको होमवर्क में बेटा आपका रिड्यूस सिलेबस में यही इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इन्हीं की आपने प्रैक्टिस करना है और चेक करवाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपने कोई क्वेश्चन नहीं करना। आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।